आपदा के इस दौर में जब एक एक सांस का टोटा है तो सांसों के कई सौदागर भी पैदा हो गए हैं। दिल्ली के खान मार्केट में बुधवार को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किए गए थे। जी हां, इस मामले में नवनीत कालरा नाम के शख्स का नाम सामने आया था। दिल्ली पुलिस अब उसे तलाश कर रही है। कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। एक तरफ दिल्ली में एक एक सांस की मारामारी है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर तलाशने में पीछे नहीं रहे। ऐसा ही एक शख्स है, नवनीत कालरा। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोप में घिरे कारोबारी नवनीत कालरा का 3 दिन बाद भी सुराग नहीं लग सका है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से लेकर फॉर्म हाउस पर छापेमारी कर रही है, मगर जो खुलासा इस बीच हुआ है वो दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करता है। कहा जा रहा है कि नवनीत कालरा अपने छतरपुर वाले फॉर्म हाउस पर ही था, मगर पुलिस ने 3 दिन लगा दिए कार्रवाई करने में और इस मौके का फायदा उठाकर कालरा फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को इस बात की आशंका है कि नवनीत कालरा बचने के लिए विदेश भी भाग सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये पूरा का पूरा मामला मंगलवार का है, जब पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे, लेकिन जब शनिवार को क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के छतरपुर फार्म हाउस पर छापा मारा तब तक वो यहाँ से फरार हो चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल है वो पुलिस के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों पुलिस ने 3 से 4 दिन का समय लगा नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर छापा मारने के में। कालरा के छतरपुर के फार्म हाउस में ताला लगा है। एबीपी संवाददाता ने गार्ड से बात की तो उसने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नवनीत कालरा कहाँ है। कालरा और उसके परिवार का फोन स्विच ऑफ है। कोई है नहीं के अंदर? नहीं, पता नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ गए हैं? कुछ पता नहीं, कब गए थे? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ ड्यूटी पे। अच्छा, तो कितने दिन से बंद है मतलब फार्म हाउस? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ तो मुझे क्या पता है। अच्छा, रहते वैसे यहीं पर थे नवनीत कालरा जी? मैं आज ही आया हूँ तो ऐसा मुझे कैसे पता। एक तरफ देश भर में ऑक्सीजन और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नवनीत कालरा के वकील कानून की खामियों का सहारा लेकर उसे बचाने में लगे हैं। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत नहीं रखा गया है। इस वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा को अपराधी साबित करना किसी भी जांच एजेंसी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने खान मार्केट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लिहाजा मुमकिन है कि कालाबाजारी करने वाले लोग ऐसे ही छूट जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो एक बड़ी खामी है। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से कंसंट्रेटर की बरामदगी के मामले में मैट्रिक्स कंपनी का भी नाम सामने आया है। कंपनी के वकील से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उनकी दलील भी सुन लीजिए। समुद्र जी, पुलिस का एलिगेशन ये है कि ब्लैक मार्केटिंग की गई थी और उसको बहुत ही ज्यादा कीमत पे लोगों को बेचा जा रहा था, क्या कहेंगे? 32 कॉन्सेंट्रेटर्स थे हमारे निगेन जू रेस्टोरेंट में, जो एक कलेक्शन सेंटर था। ना वहाँ पे बेचे जा रहे थे ना खरीदे जा रहे थे, वहाँ पे हो रहे थे पिकअप। बाकी जो खान मार्केट के में मिले हैं वो हमारे नहीं हैं। जो 300 कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनको मिले हैं वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके लिए गए हैं। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है, एक कैश ट्रांजैक्शन का वो नहीं है। MRP पे के सारे नीचे बेचे गए हैं सामान। जितना मैट्रिक्स का सवाल है हमने सारे व्हाट्सएप चैट लोगों को दिए। अब दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि नवनीत कालरा विदेश भाग सकता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने LOC खोल दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुधवार को छापा मारने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में देर क्यों की? क्या पुलिस पर कोई दबाव था? ABP News आपको रखे आगे।